ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें, अच्छे दिखें। जिस तेजी के साथ साइबर सिटी गुरुग्राम विकास की बुलंदियों को छू रहा है, उसी तेजी के साथ गुरुग्राम में पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब ये पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि दुनिया के नक्शे पर गुरुग्राम पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में आने लगा है। गुरुग्राम को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए आज हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने गुरुग्राम पहुंचकर नेचर एंड ग्रीन प्लांट हुडा सिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम में भारी संख्या में स्कूल बच्चों के साथ एनजीओ के लोगों ने पौधारोपण के साथ साथ सफाई अभियान भी चलाया। उद्योग मंत्री विपुल गोयल का मानना है कि गुरुग्राम को विकास देने के साथ साथ हमें स्वच्छ पर्यावरण भी देना होगा। सर ग्रीन अन्नू कपूर को और डीएमआरसी की जो टीम है, मंगू जी खुद यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरीके की इनिशिएटिव, और उन्होंने जो एक लीग से हटकर इतने व्यस्त मेट्रो स्टेशन को चुना, शहर के बीचों बीच एक स्थान को चुना जहाँ पर आते जाते लोग भी इससे मोटिवेट होंगे और स्वच्छता के मायने क्या होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज भी दे पाएंगे इस स्थान को चुनने के लिए और इस बेटर इनिशिएटिव के लिए, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर्यावरण की इस मुहिम में विपुल गोयल ने पोल्यूशन फ्री त्यौहार मनाने की सलाह भी दी है। देखिए, सरकार के कदम एक ये रिलीजियस मैटर है और दशहरा और दिवाली हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है, तो इसलिए मैं लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम पटाखे चलाकर, कम से कम पोल्यूशन फैलाकर इस त्यौहार को मनाएं। त्यौहार मनाने के और भी बहुत हैं, खुशियां देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके से मनाएंगे तो आप समाज की अच्छी सेवा कर सकेंगे, समाज के साथ जुड़कर समाज को एक स्वस्थ समाज की ओर ले जा सकेंगे। और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे मुख्यमंत्री जो इस ड्राइव को चलाने की बात करें, उसमें एक सहभागी बन सकेंगे इस दशहरा और दिवाली पर, कम पटाखे चलाकर कम पोल्यूशन। साइबर सिटी गुरुग्राम में पोल्यूशन अगर तेजी से बढ़ रहा है तो इस तरह की मुहिम चलाने की और ज्यादा आवश्यकता है, ताकि साइबर सिटी के नाम की जगह इसको पॉलिटिक सिटी के नाम से ना पुकारा जाने लगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए मोहित कुमार की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर